आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है सोमवार और अभी बज रहा है दोपहर का एक। अभी मैंने एक ब्लाउज कंप्लीट की है और थोड़ा सा दूध लेके बैठी हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी दूध लेके बैठी हूँ। पता है दूध मुझे नहीं पीना था पर दवा लेना है। अब कुछ भी नहीं खाऊंगी और ऐसे ही दवा ले लूँगी, अगर कुछ हो गया तो मुझे डर लगता है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दूध ली हूँ। और एक घंटा हो गया है, मतलब ग्लास में लेके रखी हूँ, पिया नहीं है। मैं ब्लाउज सिलने बैठी थी ना, तो मैंने सोचा ये एकदम ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म या ठंडा जो भी मैं पीती हूँ या खा तो सकती नहीं हूँ, पी रही हूँ, बहुत दर्द कर रहा है। तो मैं दवा लूँगी, अभी पेन किलर लूँगी, उससे पहले दूध पीना है। तब से सोच रही हूँ कि पीऊँगी, लेकिन देख रही हूँ और अजीब सा लग रहा है। जो भी हो, मैंने आज कंघी नहीं किया, नहाया, बस सिंदूर विंदूर पहनी हूँ, पूजा पाठ किया, आज कंघी नहीं किया। मैंने सोचा बाल गीले गीले थे ना, मैंने सोचा कि बाद में कर लेंगे, कोई अर्जेंट नहीं है। तो जो भी हो, क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं मालूम, क्या क्या मैं बक रही हूँ। हस्बैंड लेके आए हैं पनीर 2 पैकेट, और बिना प्याज लहसुन के पनीर कैसे बनाऊं मुझे नहीं मालूम। तो जो भी हो, पनीर मैं अब बनाऊंगी या नहीं, आज नहीं बनाऊंगी, कल ही बनाऊंगी पनीर वनीर, क्योंकि थोड़ी सी मैं स्वस्थ हो जाऊं ना, थोड़ा सा फिट हो जाऊं तभी बनाऊंगी। ऐसे नहीं अच्छा लगता है जब दिमाग विमाग सब ख़राब हो ना। इधर का साइड, पहले तो इधर दर्द कर रहा था, अभी इधर का साइड दर्द कर रहा है। ये साड़ी कंप्लीट हो गई है और अभी मुझे सिलने हैं ये, जो भी हो 3 ब्लाउज है, किसी के 3 ब्लाउज है, तो वो देखती हूँ कब तक सिल पाती हूँ। पनीर को रख दिया मैंने फ्रिज के अंदर और ये बनेगा आज लंच में। मुझे डर लग रहा था कि ये लोग ना सोचे कि ये खुद नहीं खाएगी इसलिए नहीं बनाया होगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं बोले, पर मेरे अंदर ऐसा हो रहा था। और कैबेज की हालत देखो, आप लोग देख रहे हो कि कैबेज की हालत क्या होगी। ये फ्रिज के अंदर बहुत दिन पुरानी पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि बना देते हैं, फेंकना नहीं है। ऊपर से ना एक लेयर मैंने काट के फेंक दिया और बाद में इसको बनाया तो किसी को पता भी नहीं चला और अच्छी तरह से बन भी गया। और कोहर मैंने यहाँ पर काट ली है, आज कोहर फ्राई करूँगी, मूंग की दाल बनाऊँगी करेले के साथ और बनाऊँगी कैबेज। तो इसी कढ़ाई में ना पहले मैं आलू फ्राई की थी, आलू की भुजिया भी बनाई थी, तो उसी में मैं बना रही हूँ अभी। तो आलू की भुजिया मैं उन लोगों को सुबह मतलब 10:30 बज ही जाता है इनके नाश्ता करते करते। तो चलो, ये मैं थोड़ी से कुंवर भी पड़ा था तो मैंने इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जो करेला वाला दाल बनाऊँगी ना तो उसके साथ ये अच्छा लगता है, मतलब दाल के साथ कुछ ना कुछ तो फ्राई हो, ऐसा अच्छा लगता है। तो मूंग की दाल यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है, थोड़ा सा मैंने भून लिया था कढ़ाई में तो सूखा ही, उसके बाद मैंने उसको उबलने के लिए रखा है। और यहाँ पर मैं कैबेज काटने बैठी हूँ, अभी वही दिखा रही थी कि मैंने एक लेयर काट के फेंक दिया है। तो पता नहीं, आप लोग बताना कि ऐसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, बीमारी तो नहीं होगी ना। वो डर भी लगता है और ना सब्ज़ी फेंकने में भी ना बुरा लगता है, क्या करूँ। हस्बैंड को मना करती हूँ कि हम 3 ही लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी लाया करो, पर उनको क्या है ना, बैग भर के लाने की आदत है। जितना भी मैं बोलूँ, अब दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, फिर भी 1 दिन 2 दिन सुनते हैं, फिर से वही हाल कि बैग भर भर के ले आते हैं सब्ज़ी और महीना भर के हम खाते हैं। और हम तो मछली भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, तो सब्ज़ी कितना खाएंगे, कितना, मतलब लगता नहीं है इतना। फिर पूछते हैं कि सब्ज़ी लाएं क्या, तो मैं मना करती हूँ, तो बोलते हैं कि हम तो सब्ज़ी लाना भूल ही गए हैं। क्या बोलूँ, और तो यहाँ पर कोहर जो है मेरे फ्राई हो गए हैं,
अब सुबह का भुना हुआ आलू है, मैंने बोला था ना कि आलू की भुजिया बनाई थी, इसी के अंदर मिक्स कर दूंगी, दोनों मिल जाएंगे, खा लेंगे। नहीं तो ये थोड़ा सा वो थोड़ा सा, दिमाग ख़राब। प्लेट में इधर रखो उधर रखो, एक साथ मिला के ऐसे ही फ्राई करके उठा के रख दूंगी, और जब खाने बैठेंगे तो प्लेट में दे दूंगी, तो हो जाएगा काम ख़त्म। तो ये बन गई मेरी आलू कुंवर की भुजिया, मिलावटी खाना। और अभी मैं तड़का लगाने जा रही हूँ दाल की, मूंग दाल जो मैंने उबालने के लिए रखा था वो उबल गई है, और कढ़ाई मेरी खाली हो गई है। मैं ना एक ही बार ऐसे ही कर लेती हूँ, मतलब अलग अलग से नहीं करती हूँ। तो 5 फ़ोरन मैंने उसमें डाला, और उसी तेल में, मैंने ना कोई तेल ऐड नहीं किया था, उसी तेल में 5 फ़ोरन डाला, सूखा मिर्ची डाली थी एक, और ये है करेला। करेला मैंने 2 काटे थे। बबलू ना थोड़ा, मतलब करेला सोच कर ही, मतलब उसको ना अजीब सा लगता है कि हाँ करेला, मतलब मुंह बनाने लगता है, लेकिन जब खाता है तब अच्छे से खा लेता है। मतलब पहले जब सुनता है कि हाँ करेला बना है, या करेला वाला दाल है, या करेला फ्राई है, तब उसका मुंह बन जाता है। तो कभी कभी खाना तो ज़रूरी है, अभी मुंह बनाए या कुछ भी बनाए, मैं वो सब नहीं देखती हूँ, बस बनाना होता है तो बना देती हूँ, खा लो बस खा लो। तो ये करेला मैं फ्राई कर रही हूँ। और मूंग की दाल उबल गई है, और इस तरफ जो है मेरे करेले भी फ्राई हो गए हैं, अच्छे से मैंने फ्राई कर ली है। कच्चा कच्चा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा से फ्राई भी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि दाल में डालो तो कच्चा ही रख लो, ऐसा नहीं है। तो जो भी हो उसी में मैं दाल थोड़ा सा, मतलब डाल के फिर मैं कुकर में वापस डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में मुझे कैबेज चराना है, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। ऊपर से थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तेल का, सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। एक ही विजिल तक मैं उसे पकाऊंगी। और यहाँ पर कैबेज की सब्ज़ी, एक आलू काटा था, आलू भी बड़े बड़े लाते हैं मेरे हस्बैंड जो है ना, बड़े बड़े आलू लेके आते हैं, और थोड़ा सा काट के रखती हूँ तो वो ख़राब होने लगता है। तो मैंने क्या करूँ, डाल दिया मैंने, कैबेज थोड़ी हो गई क्या आलू ज़्यादा हो गया। डाल दी तो बताओगे? दे दो। तो चोले आस लीजिए फर्स्ट पर। तो छेड़े दिल गेटे हाट का है ना? फ्रेंड अभी हो रहा है शाम का, फ्रेंड अभी बज रहा है शाम का 5, और मैं अपना जंत्र मंत्र तंत्र लेकर, और यहाँ पर ये भी लेकर मैं बैठी हूँ, तुरपाई कर रही हूँ। आज तुरपाई वाली नहीं आई है, मीन करने वाली, पता नहीं उसको क्या हो गया, कॉल कर रही हूँ नहीं लग रहा है, उसका कॉल नहीं लग रहा है। अब बैठे बैठे इसको तुरपाई में लगी हूँ, कितना वर्क है देखो, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे चमक चमक पहनना। हस्बैंड ने ला के दिया है लाइम जूस, बोले हैं कि फटाफट से पी लो, पीना पड़ेगा अभी, नहीं तो क्या होगा ना, ये करवा बन जाएगा। आप लोग भी आओ, मिल बैठ कर पीते हैं लाइम जूस, और ग्लास भी साथ लेकर आए हैं ताकि मुझे धोना ना पड़े। पी लीजिए।
यहाँ पर भी छाला पड़ा है और यहाँ पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।